अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? तो आज हम फ्रूट चाट बनाएंगे इफ्तारी के लिए, है ना मामा? जी हम आज इफ्तारी के लिए फ्रूट चाट बनाएंगे। और ये फ्रूट चाट जो है ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और आज हमने ये सारा थोड़ा थोड़ा फ्रूट लिया है तो ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मामा ने काट लिया स्ट्रॉबेरी को और हम इस बोल में डालेंगे। मामा ये आपने कहाँ से लिया था? हमने रिसेंटली लिया था ना। हाँ हम आप बनाना काटेंगे। और क्रीम ये वाली हम यूज करें, ये जो डबल क्रीम नहीं होती ये वाली। अब हम बहुत छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा नहीं पसंद मेरे बच्चों को फ्रूट, और लिए हम ना थोड़ा थोड़ा बड़ा काट रहे हैं, इसलिए थोड़ी स्ट्रॉबेरीज ली हैं कि थोड़ा थोड़ा सारा काटूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा हो जानी है, सारी ख़त्म नहीं होनी कल की। अभी मैंने बनाना काट दिया है, सेम बोल में डालूंगी। और यहाँ पे हम पेयर काटेंगे। हमने एक एक दो दो फ्रूट लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिया कि फिर ख़त्म नहीं होती, इसलिए मैं इसकी स्किन, इसको धो के रखा हुआ है तो स्किन में इसकी तो उतारूंगी नहीं, स्किन के साथ ही काटूंगी। ये अपनी मर्ज़ी, अगर आपको स्किन नहीं पसंद तो आप स्किन उतार भी सकते हैं। तो हम लाइक करते हैं स्किन, हम इसको धो के रख दिया तो हम स्किन नहीं उतारेंगे। अभी मैंने पेड़ को काट दिया है और इस सेम बोल में डालूंगी। अभी मैंने एप्पल को काटूंगी, एप्पल की भी मैंने स्किन नहीं उतारनी और इसके भी छोटे छोटे पीस करूंगी। और मामा आपका तो फेवरेट फ्रूट एप्पल ही है ना? ये और मामा बहुत शौक से खाती हैं ये, मुझे एप्पल बहुत पसंद है। सेब और अब मैंने एप्पल सारे को काट दिया है। और इसको उसी बोल में, सेम बोल में डालूंगी। और यहाँ पे हम ग्रेप्स डालेंगे, ये हमने रेड वाले लिए थे, ग्रीन भी यूज़ करेंगे। और वहाँ पे ये छोटे छोटे मुझे लगता है कि ये एक एक पीस इनका करूँगी। तो हमने रेड ग्रेप्स काट लिए और ग्रीन भी हम आप काटेंगे। ग्रीन ने तो बड़े हैं, ज़्यादा बड़े हैं, इनके दो दो तीन तीन पीस करेंगे ना। अब हमने ये दोनों ग्रेप्स काट दिए हैं, अब इस बोल में डालूंगी। हमने यहाँ पे बोल में डाल लिया है और ये अभी हम पहले काटेंगे। इसके बाद ऐसे पहले काटा है मैंने मेलन, हाफ हमने मेलन लिया है। यहाँ पे उसकी स्किन उतार रहे हैं, इसको टू पीस में काटेंगे ना, छोटा छोटा उसके जैसा हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे पीस काट रहे हैं, इसके बराबर हो जाएगा। अब हमने मेलन को काट दिया है और अब मैं इसको भी उसी बोल में डालूंगी। अब हमने सारे फ्रूट काट दिए हैं।
और अब इनको यहाँ पे हमने सारा फ्रूट काट लिया और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे डबल क्रीम, और हम शुगर नहीं डालेंगे, अगर आपको डालना आप डाल लेना। और इसके बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे फ्रूट चाट को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फ्रूट चाट तैयार हो गई है और रेडी हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, है ना मम्मा। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।